हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरागीन। हाउ टू इंडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का छोटा सा हाउ टू वीडियो भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए किस किस वेबसाइट या फिर किस किस एप्लीकेशन में लॉग इन किया है, तो आप लोग उसको कैसे और कहाँ पर से देख सकते हैं, और अगर आप लोग उसको हटाना चाहते हैं तो आप लोग उसको कैसे आसानी से हटा सकते हैं। तो अगर आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आप सभी लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहां पर से क्लिक कर देख लीजिए और ये जान लीजिए कि आप लोगों ने अपने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए किस किस वेबसाइट या फिर किस किस एप्लीकेशन में लॉगिन किया हुआ है। और इसी वीडियो में आप में से हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा था, भाई हम जीमेल से किस किस वेबसाइट में लॉगिन हूँ, जान सकता हूँ क्या? तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग ये कैसे पता कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए किस किस वेबसाइट में लॉगिन किया हुआ है, या फिर आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस किस किस वेबसाइट या फिर किस किस एप्लीकेशन को दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग इसको कैसे और कहां से देख सकते हैं, तो फिर आप लोग इस वीडियो क्लास तक का देखते रहिए। तो यहां पर देखिए, जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जीमेल अकाउंट के द्वारा लॉगिन कैसे करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पर देखिए एक होस्टगेटर वेबसाइट है। इस होस्टगेटर वेबसाइट को अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें अकाउंट बनाना होगा, या फिर आप लोगों को अपने जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा, या फिर फेसबुक अकाउंट से आप लोगों को इसमें लॉगिन करना होगा, तब जाके आप लोग इस वेबसाइट को यूज कर पाते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ट्रूकॉलर को इस्तेमाल करते होंगे तो आप लोग यहाँ पर से अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करते हैं, या फिर अगर आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर गोडैडी है, गोडैडी को अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर या तो आप लोग इन्हीं की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे, नया अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू अकाउंट का, या फिर अगर आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए इसमें लॉगिन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर से ये ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आप लोग अपने जीमेल या फिर गूगल के अकाउंट के थ्रू इसमें लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों ने किस किस वेबसाइट में लॉगिन किया है अपने गूगल अकाउंट से। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आना है। जैसे मान लीजिए ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पाने के लिए अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से अपने डिस्क्रिप्शन पा जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा जो कि आपको डायरेक्ट इस वेब पेज पर लेके आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस वेब पेज पर आ जाना है। जैसे आप लोग इस वेब पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा हुआ myaccount.google.com। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का गूगल अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को मोबाइल के थ्रू बताता हूँ कि आप लोग मोबाइल के थ्रू कैसे इसको कर सकते हैं। तो मोबाइल के थ्रू करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर आना होगा। जैसे आप लोग आ जाते हैं अपने मोबाइल फोन पे, मोबाइल फोन पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिला है उस लिंक पर क्लिक कर आप लोगों ने इस वेब पेज पर आ जाना है। जैसे आप लोग इस वेब पेज पर आएंगे आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा myaccount.google.com। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से आ जाएंगे myaccount.google.com। आप लोग चाहें तो अपने ब्राउजर पे डायरेक्ट इसको टाइप भी कर सकते हैं। आप लोगों को फिर इसमें लॉगिन करना होगा। अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया होगा तो आप लोगों से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने इसमें पहले से लॉगिन किया है तो हम लोगों को इसमें लॉगिन करने के लिए नहीं बोल रहा है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से आप लोगों को मेन्यू बार मिल जाता है। मेन्यू बार में यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। आप लोगों ने यहाँ पर से सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है पूरा लास्ट तक का। मैं यहाँ पर से इसको नीचे को स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे आप लोग नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है थर्ड पार्टी एप्स एंड अकाउंट एक्सेस का, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, यू गेव दिस साइट्स एंड एप्स एक्सेस टू सम ऑफ योर गूगल अकाउंट डेटा। तो आप लोगों ने इन साइट को या फिर एप्स को कुछ एक्सेस दे रखा है जो कि आप लोगों के गूगल अकाउंट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन दैट मे बी सेंसिटिव। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव हो। अगर आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर से मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप लोगों को हटाना है, मैं यहाँ पर से हटाता हूँ क्वेश्चन हब को। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन हब के पास मेरे अकाउंट का एक्सेस रहे, तो मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है इसके पास कौन कौन सी एक्सेस है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हब के पास एक्सेस है, व्यू सर्च कंसोल डेटा फॉर योर वेरीफाइड साइट। तो ये जो क्वेश्चन हब है ये मेरी वेबसाइट का सर्च कंसोल का डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकता है, और इसको मैंने एक्सेस कब दिया है, मार्च 25 को मैंने इसको एक्सेस दिया है। तो अगर आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ।
तो ये देखिए मेरे इसमें से क्वेश्चन हब जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। मैंने उसका जो अकाउंट एक्सेस था अपने गूगल अकाउंट से सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। अब अगर आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों ने किस किस वेबसाइट या फिर किस किस एप्लीकेशन में अपने गूगल अकाउंट के द्वारा लॉग इन किया है तो आप लोग यहाँ पर इसको बैक कर लीजिए। मैं इसको फिलहाल बैक कर देता हूँ। आप लोगों को उसी टैब में आना है सिक्योरिटी के अंदर और उसके बाद आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है साइनिंग इन टू अदर साइट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है साइनिंग इन विद गूगल। तो आप लोगों ने अपने गूगल अकाउंट से किस किस वेबसाइट या फिर किस किस एप्लीकेशन में लॉग इन किया है वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर से 6 साइट या फिर एप्स में अपने गूगल अकाउंट के द्वारा लॉग इन किया है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से देखिए खुल चुका है और उसके बाद यहाँ पर वो सारी की सारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन दिख रही है जिसमें मैंने अपने गूगल अकाउंट के द्वारा लॉग इन किया है। जैसे यहाँ पर से देखिए 5paisa आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, GoDaddy आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर से जोमेटो दिख रहा है, कोरा दिख रहा है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर से जोमेटो को हटाना है और देखना है कि जोमेटो मेरी कौन कौन सी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर से देखिए अब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जोमेटो मेरी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। जैसे यहाँ पर से मेरी ईमेल एड्रेस देख सकता है और जो मेरी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर से देख सकता है। तो अगर मुझे इसका अकाउंट एक्सेस जो है वो रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, रिमूव एक्सेस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर से रिमूव एक्सेस पर क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से जोमेटो जो है वो यहाँ पर से हट जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं मेरी जो 6 एप्लीकेशन थी अब उसमें से 5 ही बची है। तो ऐसे करके अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने किस किस वेबसाइट में या फिर किस किस एप्लीकेशन में अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग उनको हटाना चाहते हैं, आप लोगों के काम की नहीं है या फिर आप लोगों को उन पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप लोगों को उसको तुरंत हटा देना चाहिए। तो अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो आप लोगों ने यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक कर इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट या फिर इंटरनेट, मोबाइल, वेब, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर देना है और बगल में बनी घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होता ही है कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू इंडिया का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू इंडिया।